मूवी की शुरुआत में हम चार लड़के को देखते हैं जिनका नाम पीट, जॉर्जी, डिम और एलेक्स। इन चारों लड़कों का एक गैंग है जिसका नाम बिली गैंग, और इस गैंग का लीडर होता है एलेक्स। ये लोग रात में दूध पीते हैं, इसके बाद शहर में निकलते हैं। चोरी करना, डकैती करना, लूट मचाना, यही इन लोगों का काम होता है। अब ये लोग इस बार से निकलते हैं। इसके बाद एलेक्स जाके एक घर में नॉक करता है। घर का मालिक होते हैं अलेक्जेंडर, जो एक लेखक है, और घर में उनकी बीबी मैरिलिन थी। जैसे ही एलेक्स नॉक करता है, मैरिलिन आके दरवाज़ा खोलती है तो एलेक्स बहुत ही डरा हुआ कहता है, मैडम प्लीज़ मदद कीजिए, मेरा दोस्त, उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो रोड पे पड़ा हुआ है, आप मुझे प्लीज़ एक बार घर के अंदर घुसने दीजिए, मैं बस आपके फ़ोन से फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाना चाहता हूँ। पर मैरिलिन समझाते हुए कहती है, हम इतनी रात गए किसी को भी घर के अंदर घुसने नहीं देते हैं। पर इन सारी बातों को अलेक्जेंडर सुन के वो कहता है लड़के को घर के अंदर आने देने के लिए, और मैरिलिन ऐसा ही करती है। पर ये एक जाल था, किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसके साथ उसके दोस्त भी घुसते हैं। वो पहले अलेक्जेंडर को बहुत ही ज़्यादा पीटते हैं, इसके बाद वो मैरिलिन के कपड़े को काटते हैं और फिर उसका रेप करते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती अलेक्जेंडर को ये सब कुछ दिखाते हैं। इसके बाद उनके काम हो जाने के बाद वो मैरिलिन का खून कर देते हैं और वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद सुबह में एलेक्स पीछे के रास्ते से घर के अंदर एंटर होता है और अपने चुराए सारे चीज़ों को वो ड्रॉयर में रखता है जहाँ बहुत सारे चुराई चीज़ें थी। फिर वो अपने फेवरेट बेथोवेन का म्यूज़िक प्ले करता है। एलेक्स बेथोवेन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैन होता है। अब सुबह के 8 बज जाते हैं और उसकी माँ उसे बुलाने आते हैं, कारण उसे स्कूल में जाना होता है। पर एलेक्स कहता है आज उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो स्कूल में नहीं जाना चाहता। दरअसल एलेक्स के माता पिता के लिए एलेक्स एक बहुत ही अच्छा लड़का होता है। उसके माता पिता ये सोचते हैं एलेक्स एक दिन बड़ा होकर बहुत ही अच्छा काम करेगा और उनका नाम रोशन करेगा। पर एलेक्स की सारी करतूत एलेक्स के पिता के दोस्त को पता होती है, जिसे एलेक्स अंकल बुलाता है। वो अंकल एलेक्स को सावधान करता है, जो तुम कर रहे हो ये गलत है और ये सारी हरकतें बंद कर दो। पर एलेक्स कुछ भी नहीं सुनता और उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है एलेक्स के घर में उसके टीम मेंबर आए हुए थे। वो लोग एलेक्स से कह रहे थे उन्हें ये छोटे मोटे इंसानों को पीटना, छोटी मोटी चोरी, डकैती करना, इन सब से उनका मन अब नहीं भर रहा है, उन्हें बहुत बड़ा कुछ चाहिए। जबकि एलेक्स उनका लीडर होता है, इसी कारण से एलेक्स उन्हें समझाता है, देखो जो जो चीज़ें हमें चाहिए सभी चीज़ हमारे पास है, और ज़्यादा गलत काम करना ये हद से ज़्यादा खराब है। पर एलेक्स की बातें कोई भी नहीं सुनता, उन्हें कुछ बड़ा चाहिए था। अब यहाँ एलेक्स निर्णय ले लेता है, वो इन लोगों को सही सीख देगा। अब एलेक्स इन लोगों को लेके बाहर जाता है और एक झील के सामने इन लोगों को पीटता है और उन्हें झील में फेंक देता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी एक पार में बैठे हुए थे। यहाँ एलेक्स सबसे पूछता है, आशा यही है कि तुम लोग अपना सबक सीख चुके हो। सभी लोग हाँ बोलते हैं। तो यहाँ एलेक्स बोलता है, तो बताओ आज रात का हम लोगों का प्लान क्या है। तो सभी बताते हैं, हम लोगों ने एक घर देख रखा है जो घर शहर से थोड़ा दूर है और खाली जगह पे है। वहाँ एक योगा टीचर रहती है, उसके साथ कोई भी नहीं रहता सिवाय उसके बिल्लियों के। एलेक्स खुश हो जाता है और कहता है, यही हमारा शिकार है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं एलेक्स उस महिला के घर में जाके नॉक करता है और फिर से वही बहाना करता है, मेरा दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी बॉडी सड़क पे पड़ा हुआ है। पर ये सारी बातें सुन के उस महिला को संदेह हो जाती है और वो दरवाजे को नहीं खोलती और एलेक्स से कहती है वहाँ से चले जाने के लिए। और एलेक्स भी यहाँ समझ जाता है दरवाजे से घुसना उसके लिए नामुमकिन है, इसी कारण से वो खिड़की को तोड़ने जाता है। वहीं महिला भी पुलिस को फोन करती है और उनसे कहती है वो घर में एकदम भी सेफ फील नहीं कर रही है। पुलिस कहते हैं वो जल्दी ही लोग भेज रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। अब जैसे ही महिला फोन रखती है तभी रूम में एलेक्स इंटर होता है।
महिला एलेक्स को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एक छोटे 8 पीस से एलेक्स के सिर पे आघात करती है। और यहाँ एलेक्स हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और महिला का खून कर देता है। तभी उसे बाहर साइरन की आवाज आती है, इसी कारण से वो वहां से बाहर आ रहा था। और बाहर उसके दल के सदस्य हाथ में बोतल लेके खड़े थे। जैसे ही एलेक्स आता है, एलेक्स के ऊपर वो हमला कर देता है और गाली देते हुए वहां से भागने लगता है। वो लोग कहते हैं ये हमारे ऊपर दादागिरी दिखाने का नतीजा है, भुगतो एलेक्स। इसके बाद वहां पुलिस आते हैं और एलेक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब थाने में एलेक्स से कहा जाता है उसके गुनाह को कबूल करने के लिए, पर एलेक्स यहाँ कहता है मुझे भी कानून पता है और जब तक मेरे लॉयर नहीं आएंगे मैं मुंह नहीं खोलने वाला। यहाँ एलेक्स को बहुत ज्यादा पीटा जाता है। इसके बाद वहाँ एलेक्स के अंकल आते हैं जिसे देख के एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एलेक्स अपने अंकल से कहता है अंकल मुझे फंसाया जा रहा है, बचाइए मुझे। पर अंकल उसके मुंह पे थूकते हैं और कहते हैं एलेक्स मैंने तुमसे कहा था ये गलत काम बंद करने के लिए पर तुमने नहीं सुना। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, उस औरत की मौत हुई है और अब तुम एक मर्डरर हो, जेल में भुगतो एलेक्स। ये कह के वो चले जाते हैं। अब एलेक्स को 14 साल की जेल होती है और जेल का वार्डन बहुत ही ज्यादा सख्त था। अब धीरे धीरे देखते हुए जेल में 2 साल कट जाते हैं और एलेक्स बाइबल पढ़ के जीसस के गाने सुन के अब वो एक बहुत धार्मिक इंसान बन चुका था। वो एक दिन जेल के फादर को बुलाता है और उनसे पूछता है फादर मैंने दो वार्डन को बात करते सुना है। वो लोग बात कर रहे थे एक लियोविटो टेक्निक के बारे में, जिस टेक्निक को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे जेल से कैदी ले जाएंगे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक अच्छा इंसान बना देंगे और इसके बाद उसका सजा माफ करके उसे जाने देंगे। फादर कहते तुमने सही सुना है। फादर कहते हैं कल जेल में गवर्नर आएंगे, एक कैदी को मतलब जो बहुत साहसी है ऐसे कैदी को वो लोग चुनेंगे। या एलेक्स कहता है फादर मैं वो कैदी होना चाहता हूँ। अब अगले दिन जेल में गवर्नर आते हैं और सभी कैदी को एक लाइन पे किया जाता है। एलेक्स चीखते हुए कहता है गवर्नर सर आपके लिए वीटो टेक्निक मुझ पे इस्तेमाल कीजिए। या गवर्नर एलेक्स की ये साहस देख के कहता है यही व्यक्ति के ऊपर हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब एलेक्स को वो अपनी हिरासत में ले लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलेक्स को इंजेक्शन देने जाते हैं। यहाँ एलेक्स पूछता है मुझ पे किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा डॉक्टर। तो डॉक्टर बताती है तुम्हें बस कुछ बेहतरीन सिनेमा दिखाए जाएंगे। इसके बाद एलेक्स को थिएटर ले जाया जाता है और एक सीट के साथ उसे बड़ी ही शक्ति से बांधा जाता है। इसके बाद उसके आंख में क्लिप लगाए जाते हैं ताकि वो पलके ना बंद कर पाए। और उस थिएटर में बहुत सारे डॉक्टर एंड नर्स बैठे हुए थे। अब यहाँ एलेक्स को दिखाया जाता है उसकी बीती जिंदगी एक सिनेमा आकार में, जहाँ कुछ लोग एक इंसान को पीट रहे थे। पहले पहले तो एलेक्स को ये देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, पर फिर एलेक्स को ये देखना बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। वो चीख रहा था और बार बार कह रहा था सिनेमा को बंद करने के लिए, पर ऐसा नहीं किया जाता। और हेड डॉक्टर सभी को कहते हैं जानते हो अब एलेक्स को कैसा लग रहा है। एलेक्स ऐसा पीड़ा भोग रहा है जैसा कोई आग में जलते हुए इंसान भोगता है। और एलेक्स को हम और भी ज्यादा पीड़ा देंगे। और आज के लिए एलेक्स को यहीं छोड़ दिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है एलेक्स डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर यहाँ बताती है हम लोग तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें ऐसा बना देंगे जब भी तुम्हें क्राइम करने का मन करेगा और तुम्हें बुखार आ जाएंगे। अब अगले दिन फिर से एलेक्स को बांधा जाता है और आज एलेक्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भयानक परिस्थिति दिखाई जाती है और बैकग्राउंड में चल रही थी बेथोवेन, मतलब एलेक्स के फेवरेट आर्टिस्ट की म्यूजिक। और ये सब कुछ सुन के और देख के एलेक्स चीख उठता है और बार बार मिनती करता है ये सब बंद करने के लिए। वो समझ चुका है क्राइम करना कितना बड़ा गुनाह है और वो जिंदगी में क्राइम नहीं करेगा, पर एलेक्स की कोई भी बात नहीं सुना जाता। उसे बार बार ये सब कुछ दिखाया और सुनाया जाता है।
अब इसके बाद अगले दिन एलेक्स के परिस्थिति में कितना ज्यादा सुधार आया है ये देखने के लिए एलेक्स को एक स्टेज के ऊपर खड़ा किया जाता है और बहुत सारे ऑडियंस थे। तभी वहाँ एक इंसान आता है जो एलेक्स को बहुत ज्यादा पीटता है। एलेक्स उसे मारने जाता है पर वो बीमार पड़ रहा था, उसे बुखार आ जाता है और उसमें कोई भी क्षमता नहीं बची थी। वो व्यक्ति एलेक्स को अपना जूता चटाता है। इसके बाद एलेक्स के पास एक लड़की को भेजा जाता है। एलेक्स उस लड़की को छूने जाता है पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे और वो बीमार पड़ रहा था। इसके बाद गवर्नर सबके सामने कहते हैं, हमारी लियोबिटो टेक्निक सफल हुई है जिसका एग्जाम्पल एलेक्स खुद है। इसके बाद एलेक्स की सजा माफ करके उसे छोड़ दिया जाता है। एलेक्स हद से ज्यादा खुश होके अपने घर पे आता है पर उसके ही घर में उसके सोफे पे एक लड़का बैठा हुआ था। एलेक्स गुस्से से अपने पिता से पूछता यह कौन है, तो एलेक्स के पिता कहते हैं, तुम तो जेल में थे इसी कारण से हमने तुम्हारा रूम इसे 2 साल के लिए रेंट पे दिया हुआ है। अब एलेक्स उस लड़के को मारने जाता है पर तभी एलेक्स के हाथ कांपने लगते हैं, उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है, वो सोफे पे बैठ जाता है। तभी वो लड़का कहता है, एलेक्स तुम अपने पिता माता की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो और इस घर से दफा हो जाओ। और यहाँ उसके माता पिता बिल्कुल भी उस लड़के का विरोध नहीं करते। ये देख के एलेक्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने माता पिता को गुड बाय बोल के वो घर छोड़ देता है। अब वो एक जगह खड़ा होके चिंतन कर रहा था आगे उसे क्या करना चाहिए, पर तभी उसके सामने एक भिखारी आ जाता है जो उससे भीख मांगता है। यह एलेक्स कुछ पैसे उस भिखारी को दे देता है। तभी वो व्यक्ति चीखते हुए कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मुझे मारा था। यहाँ एलेक्स भागने लगता है और चीखते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानता। पर वहाँ और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो एलेक्स को पीटने लगते हैं, उसे मार डालना चाहते थे। तभी वहाँ 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं जो एलेक्स की जान बचा लेते हैं। अब जब एलेक्स उन 2 ऑफिसर का चेहरा देखता है तो ये लोग एलेक्स के दोस्त थे, बिली गैंग के मेंबर। तो वो लोग कहते हैं, एलेक्स तुमने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया था, अतीत में हमें बहुत पीड़ा दी थी और सब कुछ आज हम तुम्हें लौटाएंगे। वो लोग उसे एक जंगल में ले जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं, पानी में डुबाते हैं। इसके बाद उसे वहीं मरने के लिए छोड़ के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मौसम का हाल बिगड़ता है और बहुत तेज बारिश आ जाती है और हम देखते हैं बारिश में एलेक्स भाग रहा था। वो भागते हुए एक घर में जाके नॉक करता है और ये घर अलेक्जेंडर का था, वही अलेक्जेंडर जिसे एलेक्स और उसके गैंग ने पीटा था और उसकी बीवी को जान से मारा था। और अब हम अलेक्जेंडर को व्हीलचेयर में देखते हैं, कारण उन लोगों ने अलेक्जेंडर को पीट के अपाइज बना दिया था। अलेक्जेंडर ने अब एक बॉडीगार्ड रख लिया है, उसका नाम होता है जूलियन। जूलियन जाके दरवाजा खोलता है तो एलेक्स बहुत ही जख्मी उसके ऊपर गिरता है। जूलियन उसे लिए अंदर आता है तो अलेक्जेंडर पहली नजर में ही एलेक्स को पहचान जाता है और एलेक्स समझ जाता है वो इस घर में आके कितनी बड़ी गलती कर चुका है। पर अलेक्जेंडर इग्नोर करते हुए एलेक्स से पूछता है, तुम वही व्यक्ति हो ना जिसके ऊपर लियोबिटो टेक्निक यूज किया है गवर्नमेंट ने। एलेक्स यहाँ शांति की निश्वास छोड़ के कहता है, आपने सही पहचाना, मैं वो व्यक्ति हूँ। अलेक्जेंडर थोड़ा सा खुश हो जाता है और जूलियन से कहता है एलेक्स को अंदर ले जाने के लिए। इसके बाद अलेक्जेंडर अपने कुछ रिपोर्टर और पॉलिटिशियन दोस्त को फोन करता है और कहता है उसकी हिरासत में वो व्यक्ति है जिसके ऊपर लियोबिटो टेक्निक यूज किया गया है। असल में गवर्नर जिस पार्टी का मेंबर होता है उसके ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर अलेक्जेंडर होता है और वो चाहता था गवर्नर की पार्टी को गिरा देने के लिए। इसके बाद एलेक्स को बहुत ही अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है पर एलेक्स बहुत ही ज्यादा डर में था, वो सोच रहा था यही उसकी जिंदगी ना खत्म हो जाए। पर अलेक्जेंडर उसे रिलैक्स करता है और खाने के लिए बोलता है। अब एलेक्स बहुत ही ज्यादा निश्चिंत हो जाता है और खाने लगता है। तभी अलेक्जेंडर कहने लगता है, तुम जानते हो कभी मेरी एक बहुत ही सुंदर बेबी हुआ करती थी पर एक रात कुछ बदमाशों ने उसके ऊपर हमला किया और मेरी घर में उसे जान से मार डाला। अब तभी डोर नॉक होता है और पॉलिटिशियन और रिपोर्टर दोस्त आ जाते हैं। एलेक्स से पूछा जाता है, तुम्हारे ऊपर किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। एलेक्स कहता है, मुझे बहुत ही वायलेंट सिनेमा दिखाया गया था
और मेरे ऊपर इस तरह एक्सपेरिमेंट किया गया था। जिस बेथोवेन को मैं बहुत ज़्यादा चाहता था, जिसकी म्यूजिक पे मैं मरता था, अब उसकी म्यूजिक सुनते ही मेरी सिर की नसें फटने लगती है। मुझे लगता है मैं जहर खा लूँ, मैं मर जाऊँ, मैं सुइसाइड कर लूँ। और ये सारी बातें करते हुए वो अचानक बेहोश हो जाता है, कारण उसके खाने में नींद की दवा मिलाई हुई थी। अब हम देखते हैं जब एलेक्स की आंखें खुलती है तो वो एक रूम में बंद था और रूम में बहुत ही जोर से बेथोवेन की म्यूजिक चल रही थी, जिसे एलेक्स बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। वो पागल हो रहा था, वो छटपटा रहा था, वो जैसे नरक की आग में जल रहा था। और ये जलन की आवाज पाके अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे लगता है जिंदगी की सारी सुख मिल रही थी, पर एलेक्स उसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही थी। वो खिड़की को खोलता है और वहां से जम कर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एलेक्स हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके सारे बदन में प्लास्टर किए हुए थे। उसकी हालत बहुत खराब थी, पर गुजरते दिनों के साथ वो ठीक हो रहा था। अब अगले दिन पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में छापा जाता है, गवर्नर की पार्टी मर्डरर है, जो एलेक्स को पागल बना दिया है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। अब एलेक्स हर पल सुसाइड करना चाहता है। अब इसके बाद एक दिन एलेक्स से मिलने गवर्नर खुद आते हैं। वो कहते हैं, हम लोग समझ चुके हैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने कितना बड़ा गुनाह किया है, हमें माफ कर देना एलेक्स। असल में जानते हो, तुम्हें सामने लाना, तुम पे टॉर्चर करना, ये सब कुछ हमारे ऑपोजिशन पार्टी की एक चाल थी, हमारी इमेज की धजिया उड़ाने के लिए, हमें इलेक्शन में हराने के लिए। एलेक्स, दरअसल मैं तुम्हारे पास एक फेवर मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मीडिया के सामने आके बोलो, हमारी पार्टी तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तुम्हें कोई भी पीड़ा नहीं दिया है। अगर तुम ऐसा करते हो एलेक्स, तो तुम्हें बेस्ट मेडिकल केयर दिए जाएंगे, तुम्हें एक उच्च पद की सरकारी नौकरी दी जाएगी, तुम्हें बहुत सारी सैलरी दी जाएगी। बस मान जाओ एलेक्स, मीडिया के सामने हमारी पार्टी की थोड़ी सी प्रशंसा कर दो। यहाँ एलेक्स राजी हो जाता है। इसके बाद उस रूम में मीडिया भर जाते हैं और एलेक्स सबके सामने गवर्नर की पार्टी की तारीफ करता है। यहाँ गवर्नर खुश हो जाता है, कारण वो जानता था उसकी पार्टी की खोई हुई इज्जत अब लौट आएगी। और एलेक्स भी जानता था अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है और उसकी जिंदगी एक नई दिशा लेगी। पर अगले ही पल एलेक्स के दिमाग में इमेजिनेशन चल रही थी। वो सबके सामने एक लड़की का रेप कर रहा था, मतलब एलेक्स ठीक नहीं हुआ था, बल्कि और भी ज्यादा खराब हो गया था। और यही पे इस मूवी का अंत होता है।